नमस्कार, मैं अजीत, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो यहां पर ऑनर प्ले है मेरे पास और यहां पर ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि यहां पर एक बग था ऑनर प्ले में। तो यहां पर फाइनली एक अपडेट आ चुका है, तो यहां पर उस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे और यहां पर बताएंगे कि यहां पर क्या क्या बग इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा करके और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर अगर हम बग्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि ग्रीन लाइन आता था कैमरा में यहाँ पे। तो चलिए हम पहले यहाँ पे कैमरा को ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कैमरा में हमें जो ग्रीन लाइन यहाँ पर दिखता था, मुझे यहाँ पे फ्रंट कैमरा करना है। फ्रंट कैमरा करके मैंने यहाँ पर वीडियो में, फिर यहाँ सेटिंग्स में, रिजोल्यूशन में, यहाँ पर फुल HD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की पट्टी जो दिख रही है, अभी अपडेट के बाद ये जाता है या नहीं जाता है ये अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले अपने सेटिंग्स में चले जाते हैं। ओके, चलिए सॉफ्टवेयर अपडेट में हम सीधा चले गए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास आ चुका है और ये है 4.27 MB, मतलब बहुत ही छोटा अपडेट है ये, मतलब अनबिलीवेबल, इतना छोटा अपडेट मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बता दूँ तो फिर इशूज़ गॉट फिक्स्ड फॉर द ब्लू लाइन अक्रॉस वाइल कैप्चरिंग द वीडियो। तो ब्लू लाइन नहीं था महाराज, यहाँ पे ग्रीन लाइन था और यहाँ पे पता नहीं उन्होंने ब्लू लाइन क्यों लिखा है। Issue got fixed for the blue line occurred while capturing the video. Update notes में this update will not erase. तो normal if you encounter any issues, high care or high club, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो ये है अभी तक का सबसे छोटा अपडेट। तो आप लोगों ने अभी तक इतना छोटा अपडेट अपने फ़ोन में देखा था कि नहीं देखा था अभी तक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इतना छोटा अपडेट मैंने आज तक नहीं देखा, 4.27 MB। तो चलिए इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लेगा और यहाँ पर ये फटाफट हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा अपडेट है, मतलब मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पर वो जो कैमरा में जो ग्रीन लाइन वाला प्रॉब्लम था उसी को यहाँ पर फिक्स किया गया है। और यहाँ पे ग्रीन लाइन था, ब्लू लाइन नहीं था, पता नहीं इन लोगों ने ब्लू लाइन क्यों लिखा है। और यहाँ पर ये हमारा डिवाइस, यहाँ पे हमारा ऑनर प्ले रिबूट हो चुका है और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं, सिर्फ वो ग्रीन लाइन वाला जिसे ब्लू लाइन बता करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को ये अपडेट मिला है या नहीं मिला है, आपको ऑनर प्ले में और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या आपने इतना छोटा अपडेट अभी तक देखा था तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आप हमारे रेगुलरली देखते हैं तो EMUI 589 EMUI से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगा गैजेट फ्रीक पे। तो इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले खबर हम ही लेकर के आते हैं। हमारा डिवाइस यहाँ पर रिबूट हो चुका है और अभी हम यहाँ पर कैमरा चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम कैमरा में यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे वीडियो में ही है हम, और यहाँ पे हम रिजोल्यूशन में फुल HD+ कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि ग्रीन कलर का कुछ आ रहा है या नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पे वो ग्रीन कलर वाली पट्टी गायब हो गई है, अब यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पर आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे वो लोग ब्लू कलर की पट्टी बोलते थे, ब्लू तो नहीं था, ग्रीन कलर की आती थी। तो यहाँ पर ये अब गायब हो गया है और ये रिजॉल्व हो गया है ऑनर प्ले में, अब आपको किसी भी तरह का यहाँ पर ग्रीन लाइन एरर आपको नहीं दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर को जरूर बढ़ाइए और भी लोगों को, सदस्यों को अपने परिवार में जोड़िए और बोलिए कि गैजेट फ्रिक के साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।